स्वागत है आपका एशियन पत्रिका में। आज हम बात करेंगे पौरी विधानसभा के वरिष्ठ नेता सुरेश राठकीला जी से। आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से की, आप कहाँ से की? मैंने स्टार्टिंग में सरपंच बना था देसी पंचायत का। किस सन की बात है जी? 2098 में मर गया था सरपंच। 98 से लगातार 3 चुनाव सरपंच का रहा। फिर मेरी भाभी जनपद अध्यक्ष जनपद सदस्य बनी थी। इसके बाद उनको मैं जनपद अध्यक्ष चुनाव लड़ा था। किन्हीं कारणों से एक वोट से हम चुनाव हार गए थे। इसके बाद 3 महीने बाद फिर मंडी में चुनाव आया और मैंने अपने भतीजे को अरविंद धाकड़ को मंडी का चुनाव लड़ा। पब्लिक द्वारा चुनाव था और मैं 375 वोट से चुनाव मंडी का जीता था। वहाँ से मैंने अपनी राजनीति शुरू की थी। इसके बाद सरपंच महाराज साहब ने हम सबको पूरे परिवार को लाल पैर दिया। उन्होंने मेरे को 2005 में किसान ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। फिर मेरे को 2008 में जिला उपाध्यक्ष बनाया और वर्तमान में इस समय किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मुझे सुनंत महाराज साहब का अध्यक्ष बना। सर, अभी हमने एक सर्वे किया, आसपास के लोगों से पूछा कि किसानों की कैसी क्या हालत है। हमें पता चला आपने कोई रैली निकाली थी, आप गांव गांव गए थे, आपने क्या किया था? हमने किसानों को ना तो भावांतर का पैसा मिला था, ना तो उर्दी का पैसा मिला था, किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिला था, लाइट से हमारे किसान परेशान था और किसानों को जेल भेज दिया जा रहा था। तो हम अपने किसानों की समस्याओं को जानने के लिए सरपंच महाराज साहब के आदेश से गांव गांव गए थे और सारी समस्याओं को एकत्र करके हमने अपने नेता सरपंच महाराज साहब को अवगत कराया। एक कॉपी हमने कलेक्टर महोदय को दी, इससे उन पर कार्रवाई हो और हमारे किसान को राहत मिले। कद्दू की हालत जी, हमारा किसान मारा हुआ फिर रहा, मंडी में नहीं देख रहा और कद्दू रोड पर फेंक जा रहा है। 2 रुपये किलो का भाव लग रहा है कद्दू का। हमारा किसान त्रस्त है। सोयाबीन का पैसा अभी तक नहीं आया, चना नेबेट पर डाला था आज तक पैसा नहीं आया चना का। इसलिए हमने किसान यात्रा निकाली थी कि भाजपा भगाओ किसान को बचाओ। इसलिए वो यात्रा हमने सरपंच महाराज साहब के आदेश पर गाँव गाँव निकाली थी। 258 गाँव में हमने वो यात्रा निकाली थी और सारी समस्या लेकर हमने सरपंच महाराज साहब को अवगत कराया। क्या क्या रहा उस रैली का? जैसे कि आप 208 गांव गए, 258 गांव में आप गए, आपने किसानों से पूछा क्या 10 साल से विधायक जो है वो बीजेपी के हैं, तो आपको क्या लगा कि बीजेपी ने कितना काम किया है, क्या बताया लोग? भाई विधायक महोदय बीजेपी से है, आप जो घोषणा करते हैं आज तक पूरी नहीं हो पाई है उनकी। हमारे यहाँ सतला डैम की घोषणा 10 साल पहले की थी, वो आज तक अमल में नहीं आ पाई है। यहाँ नगर पंचायत की घोषणा मुख्यमंत्री खुद आके कर गए थे तो वो भी आज तक लागू नहीं हो पाई है। अभी 1-2 महीने पहले नरेंद्र सिंह तोमर आए थे, केंद्रीय राष्ट्रीय मंत्री है, वो तलाक की घोषणा कर गए थे तो आज तलाक का काम भी चालू नहीं हो पाया। ये झूठ ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। अच्छा, बीजेपी कुछ लीडर्स कहते हैं कि पौरी के हर गांव में बिजली है। हमने जब भ्रमण किया तो हमको 54 गांव ऐसे मिले जहाँ लाइट के तार नहीं है, खम्भे नहीं है और ट्रांसफार्मर नहीं है। वो जो चीजें हमने कलेक्टर महोदय बताई है लिस्ट हमारे पास कि किन किन गाँव में लाइट नहीं है, वो हमने पूरी लिस्ट अभी डिबेट हुई थी तो हमने एमएलए को भी बताया था कि तुम तो कह रहे हो हर गांव में लाइट है, 84 गांव ऐसे हैं वहां आज भी लाइट नहीं है, तार भी नहीं है, तो लाइट कहां से आएगी? तो ये देखा हम लोगों ने जाकर, आप जाके चौराहे पे देख सकते हैं आज भी टैंकर चल रहे हैं, आज भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इन्होंने पानी के प्रति निर्णय है, छोटे मोटे काम उन्होंने विधायक विधायक होंगे वो करते रहते हैं, इसके अलावा उन्होंने बड़ा काम कोई यहाँ पे नहीं किया है। स्कूल निकलवाया, कहते हमने स्कूल बनवाया, बिल्डिंग बना, लेकिन आप जाके देखिए एक स्कूल में एक वार्डन नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। हमारे बच्चों को हमने स्कूलों में जाके देखा था, अभी हम गए थे पपलौदा गांव में तो वहां जाके हमने देखा, आदिवासी भाई से पूछा तो ना तो वहां मध्यान्ह भोजन बढ़ता है, ना वहां स्कूल में टीचर थे। हमने जब बीओ और बीआरसी को बात की, मैंने एसडीएम महोदय को बात की, तो एसडीएम महोदय ने बात की तो 4 घंटे बाद वहां मार्शल पहुंचे थे। जी हालत है, एमएलए का दायित्व बनता है कि उनको देखना चाहिए हमारा कौन सा स्कूल बंद है, कौन सा चालू है। बिल्डिंग बनाने से कोई पढ़ाई का स्तर नहीं बढ़ता। अच्छा, अभी मोदी जी का चल रहा स्वच्छ भारत अभियान, तो उस पर पौरी में कितना काम हो रहा है, स्वच्छता पे कितना काम हो रहा है? आप जाके गांव गांव देखिए, इन्होंने 100% शौचालय बना के दे दिए, घोषणा करते कहा जाओ। आप गाँव में जाके देखिए, कहीं से कहीं शौचालय नहीं, हर गाँव का आदमी बेचारा फ्रेश होने के लिए डाणे पे जाता है, कोई लेटरिंग की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने केवल अपना कोटा पूरा कर लिया, कागजों में पूरी लेटरिंग बना दी है, गांव में जाके देखिए 2-10-5 बनी है, इसके अलावा कोई लेटरिंग नहीं बनी है और गांव का आदमी आज भी बाहर जाके फ्रेश होने जाता है तो उससे बीमारियां होती हैं। हमारे आदिवासी भाई तो आज तक लेटरिंग देखी भी नहीं उन्होंने, ना उसमें जाते हैं।
अच्छा एमएलए जी ने अभी एक आईटीआई कॉलेज बनवाया, एक हॉस्पिटल यहाँ बनवाया, उस हॉस्पिटल में क्या आ रहा था, क्या उसमें डॉक्टर्स हैं? हॉस्पिटल जी आ रहा, पहली बात तो सुपौरी से बस्ती 4 किलोमीटर दूर बनाया जी। हॉस्पिटल बस्ती में होना चाहिए तो हमारा गरीब सबका आदमी मात्रा जा नहीं पाता, और वहां जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलते, एक डॉक्टर बैठता दूसरा तब आएगा जब वो चला जाएगा, तब डॉक्टर में व्यवस्था नहीं है, नर्सों में व्यवस्था नहीं है, हमारा हर आदमी परेशान है, वो अपने इलाज कराने के लिए सुपौर जाना पड़ता है, वहां से व्यवस्था कुछ नहीं है, बिल्डिंग बनी है लेकिन उसमें अमल नहीं हो पा रहा है, स्कूल बन रहे हैं लेकिन मार्शल नहीं है, अमल नहीं करा पा रहे हैं ये वाले साहब, इनका दायित्व बनता है, इनको देखना चाहिए। अच्छा जब हमने सर्वे किया, हमने भ्रमण किया तो हमें पता चला जनता चाहती है कि आप एमएलए के इस बार उम्मीदवार हैं, तो अगर आप एमएलए का टिकट जीतते हो तो आपके पहले मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर सबसे पहले आप काम करोगे? देखो हमको यदि श्रीमंत महाराज साहब का लाल प्यार मिला और श्रीमंत महाराज साहब ने हमको टिकट दिया तो सबसे पहली पहली प्रार्थना हमारी होगी कि पौरी को पानी मिले, सबसे पहली प्रार्थना है कि सरला डैम बनना चाहिए, इससे कम से कम 100 गांव के लिए सिंचित जमीन पानी की होगी, हमारा किसान हरा भरा होगा तभी हमारे बड़े हो पाएंगे, इसलिए हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना कि रोड हो, तालाब हो, डैम हो, जिससे हमारा किसान सक्सेस होगा तभी हम जाकर सक्सेस हो पाएंगे, इसलिए हम सबसे पहली प्रार्थना हमारी यही है कि हम किसानों का काम करेंगे, जो किसान की चीजें डीजल के दाम बढ़ाएंगे, हम किसान का कर्जा माफ करवाएंगे, हमारे राहुल जी ने घोषणा भी कर दी है कि हम 15 दिन बाद पूरे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो हम कांग्रेस जैसी ही आएगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और पानी व्यवस्था करेंगे जी। धन्यवाद। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन पत्रकार।